फ्रेंड, देखिए आज हम जा रहे हैं ना बच्चों लोग के लिए डोरा केक बनाने। तो हमें क्या क्या सामान चाहिए तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमें इससे 1 कप चाहिए। हम इससे 1 कप मैदा लेंगे। आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी ज़रा फैमिली है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए और हमें लेना है शक्कर, ये छोटा वाला है चम्मच, जो इससे हम डालेंगे शक्कर। आप शक्कर पाउडर भी डाल सकते हो, और ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है, तो हमने थोड़ा कम कम ही डाली हूँ। अब हमें चाहिए 1 चम्मच हनी, देखिए हमें 1 चम्मच अब हनी डाल देते हैं इसमें। खाने से क्या होता है ना, अच्छा इसमें कलर आ जाती है। हमें 1 दूध पैकेट ले लेना है। देखिए हमें, हमारे घर में दूध पैकेट ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसे दुकान से मंगाई पैकेट वाला। ये 10 रुपये का पैकेट आती है, तो आप भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है। आप अगर नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन इसको डालने से थोड़ा टेस्ट अलग हो जाती है। तो चलिए हम इसे पूरी पैकेट डाल देते हैं। आप इसमें अगर बिस्किट डालना चाहते हो तो बिस्किट पाउडर बना के डाल सकते हो, और भी टेस्टी हो जाएगा। लेकिन हम सैंपल से बना रहे हैं, घर में बच्चे लोग खाएंगे। अब हमें इसी कप से हमें दूध ले लेना है 1 कप। हम इतना दूध लिए हूँ, अब इसमें से हमें जितना इसमें लगेगा वो हम लगा लेंगे। पहले से दूध हमने गर्म किया और उसको ठंडा किया अच्छे से, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा। फिलहाल तो सारा दूध लग चुका है, और भी इसमें शायद लगेगा, हम क्योंकि ज़्यादा बना रहे हैं। हमें देखिए ऐसे इसको मिला लेना है, और मैंने दूध 2 कप, इससे 2 कप दूध लगा है, तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। और इसे अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। देखिए गाइस हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ, हम आपको बताते हैं। देखिए छोटा सा कलछुल है, हम इसी से बनाएंगे। बड़ा छोटा आपके हिसाब से बन सकता है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो 2 कलछुल डाल देना, अगर 1 बनाना है तो आपका परफेक्ट 1 छोटा सा बनेगा सुंदर सा। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस हमने 1 तवा लिया हूँ, और इसमें हमने थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल में बन जाएगा आपका, ज़्यादा तेल नहीं लगता इसमें। और आपके पास अगर बटर है तो आप बटर यूज कर सकते हो, घी है तो घी यूज कर सकते हो। मैंने रिफाइन की हूँ, क्योंकि हमारे घर में इस समय रिफाइन का ही तेल है। तो अभी बारिश भी बहुत हो रही है बम्बई में, तो देखिए इसके लिए हम घर में अपने बच्चे लोग को यही बना के खिलाने वाले हैं। तो हम तेल में ही सब बना रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, बहुत कम तेल है, इसको आप कपड़े में साफ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कि हमारा तेल गर्म हो गया तवा पूरा, अब मैं इसमें डालूँ थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ूंगी, कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। देखिए गाइस हमारा तेल ठंडा था, हल्का हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, हमें इसको सिलो पे ही रखना है, और हम इसे अब ढक देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये गाइस हम देख लेते हैं, हमारा ये पलटी होने के लायक हो गया है। देखिए हम इस
इसे हम इस तरफ से पका लेंगे। हाय गाइस, देखिए मैं चॉकलेट का क्या बोलते हैं इसको, ये इसको मैंने घर में बनाई हूँ देखिए। और हाँ गाइस, सॉरी हमारे ना डोरा केक में एक सामान नहीं मिला, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगी। और अभी ये बना के आप इंजॉय कीजिए, यहाँ बहुत बारिश हो रहा है इसके लिए दुकान बंद था, हमें सामान नहीं मिला। देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये भी बच्चे लोग को बहुत पसंद आती है।